हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अ अक्षर से मुस्लिम लड़कियों के 50 खूबसूरत नाम और उसके मतलब को बताऊंगा। पहला नाम है आदिला। आदिला का मतलब होता है ईमानदारी, न्याय संगत, ईमानदार, न्याय। अगला नाम है आबिदा। आबिदा का मतलब होता है परस्तिश करने वाला, जाहिद। नेक्स्ट नाम है आयदा। आयदा का मतलब होता है मुलाकाती, लौटने वाला या तोहफा। नेक्स्ट नाम है आबिरह। आबिरह का मतलब होता है क्षणभंगुर, अस्थाई या अल्पकालिक। अगला नाम है आबिस। आबिस का मतलब होता है सौभाग्यशाली। अगला नाम है आयशा। आयशा का मतलब होता है जिंदगी, जिंदा दिली, आबाद रहने वाला, औरतों का जीवन। अगला नाम है आफिया। आफिया का मतलब होता है जोर, अच्छा स्वास्थ्य, भलाई। अगला नाम है अफरीदा। अफरीदा नाम का मतलब होता है बनाया गया या उत्पादित। नेक्स्ट नाम है आईमा। आईमा का मतलब होता है नेता। अगला नाम है आफिया। आफिया का मतलब होता है स्वस्थ। अगला नाम है आयरह। आयरह का मतलब होता है आली, विनित। अगला नाम है आकिफा। आकिफा का मतलब होता है इरादा, व्यस्त, समर्पित या अनुरागी। नेक्स्ट नाम है आलिया। आलिया का मतलब होता है ऊंचा, फाइक, सामाजिक इज्जत। अगला नाम है आलिमा। आलिमा का मतलब होता है जानना, जानकार, अदीब या सत्ता। अगला नाम है आलिया। आलिया का मतलब होता है ज़्यादा बेहतरीन, फाइक, सामाजिक प्रतिष्ठा, लंबा या ज़बर। अगला नाम है आमाला। आमाला का मतलब होता है जलाल, आरजू, पाकीजा या मेहनती। नेक्स्ट नाम है आमनी। आमनी का मतलब होता है मुबारकबाद या वसंत का मौसम। अगला नाम है आमारा। आमारा का मतलब होता है घास, अजर अमर या प्रकाशित फूल। नेक्स्ट नाम है आमिना। आमिना का मतलब होता है भरोसेमंद, वफादार, अमन पसंद, ईमानदार या महफूज। नेक्स्ट नाम है आमिला। आमिला का मतलब होता है अच्छे कर्म करने वाला, नेक, आरजुवान। अगला नाम है आमिरा। आमिरा का मतलब होता है शाही, प्रचुर मात्रा में या बसे हुए। नेक्स्ट नाम है आनिसा। आनिसा का मतलब होता है करीबी, अतरंग, अच्छा दोस्त, निरंतर, रोशनी या वफादार। नेक्स्ट नाम है आकिला। आकिला का मतलब होता है अलीम, समझदार या अलीम औरत। अगला नाम है आरिफा। आरिफा का मतलब होता है जो औरतें इस्लाम को पहचानती हैं। नेक्स्ट नाम है आसिमा। आसिमा का मतलब होता है असीम, हिफाजत करने वाला या प्रतिवादी। अगला नाम है आसमा। आसमा का मतलब होता है आसमान, ज़्यादा उत्कृष्ट या कीमती। अगला नाम है आतिफा। आतिफा का मतलब होता है प्यार, सहानुभूति, आशिक या रहम। अगला नाम है आसमानी। आसमानी का मतलब होता है आकाशीय, दिव्य, रब्बानी या आसमानी। नेक्स्ट नाम है आतिका। आतिका का मतलब होता है फूल या अच्छी महक। अगला नाम है आतिरह। आतिरह का मतलब होता है सुगंधित। अगला नाम है आयना। आयना का मतलब होता है आईना। अगला नाम है आयात। आयात का मतलब होता है कई इशारे और सबूत, कुरान में छंद या शाही। नेक्स्ट नाम है आयशा। आयशा का मतलब होता है जीवित, सुंदर या जिंदगी। अगला नाम है आजिन। आजिन का मतलब होता है अदा। अगला नाम है आजमीन। आजमीन का मतलब होता है
एक तारा। नेक्स्ट नाम है अबाला। अबाला का मतलब होता है जंगली गुलाब। अगला नाम है अबीरा। अबीरा का मतलब होता है खुशबू, बलवान या गुलाल। नेक्स्ट नाम है अबीला। अबीला का मतलब होता है खूब होने के लिए। नेक्स्ट नाम है आबिया। आबिया का मतलब होता है अजीम। अगला नाम है अबीहा। अबीहा का मतलब होता है पिता का। नेक्स्ट नाम है अबलाह। अबलाह का मतलब होता है पूरी तरह से गठित। अगला नाम है अदा। अदा का मतलब अनूठा, मनमोहक या तहजीब। नेक्स्ट नाम अबिया। अबिया का मतलब होता है होशियार या शानदार। अगला नाम अदारा। अदारा का मतलब होता है कुमारी। अगला नाम है अदवियाह। अदवियाह का मतलब होता है ग्रीष्मकालीन पौधा। अगला नाम है अदीबा। अदीबा का मतलब होता है साहित्यिक या सुसंस्कृत। नेक्स्ट नाम है अदीला। अदीला का मतलब होता है बराबर, तटस्थ या ईमानदार। अगला नाम है अदीना। अदीना का मतलब होता है पाक, बख्त या गुलबदन। नेक्स्ट नाम है अदीवा। अदीवा का मतलब होता है सुखद। अगला नाम है आडेलमीरा। आडेलमीरा का मतलब होता है ऊंचा। दोस्तों, आप मेरे चैनल के पेज पर जाइए, वहाँ पे मिलेंगे आपको लड़के और लड़कियों के बेहतरीन बेहतरीन नामों के संग्रह। उम्मीद करते हैं ये नामों का कलेक्शन आपको पसंद आया होगा। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। शुक्रिया।